गाइस अभी बिल्कुल एग रोल की तैयारी चल रही है, रोटी भी बन रही है, दूसरे साइड से अंडे बना रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शुक्रिया। चलो आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज रमजान का डे 15, अभी मैं बिल्कुल निकला हूँ कॉलेज के लिए यूनिफॉर्म में। तो इस वीक का कॉलेज स्टार्ट हो गया मेरा। अभी आज मौसम बिल्कुल मस्त है सुबह सुबह, और मेरे साथ आज रूममेट भी साथ में है। हमारा सेम टाइमिंग है क्लास के लिए, तो निकलते हैं कॉलेज की ओर, मिलते हैं आपसे। आप व्लॉग में ज़रूर बने रहना। अभी हम दोनों चल रहे हैं कॉलेज की ओर, यही 5 मिनट लगेंगे अभी कॉलेज तक। सुबह बहुत ही मुश्किल है कॉलेज के लिए उठना, शहरी के बाद सोना, फिर कॉलेज के लिए फिर से उठना है, बहुत मुश्किल है। पर क्या करेंगे, कॉलेज भी ज़रूरी है। फाइनली गाइज हम पहुंचे हैं कॉलेज। ये है मॉर्निंग का व्यू, सुबह सुबह आप देख सकते हो कॉलेज का व्यू। अभी हम जाते हैं सीधा क्लासरूम में, मिलते हैं क्लास खत्म होने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज के क्लास खत्म हुए, क्लास वगैरह अच्छे से हो गए। तो अभी मैं निकला हूँ कॉलेज से, अभी पहले दोस्त का वेट कर लेते हैं, उसको भी रूम आना है, उसके भी क्लास आफ्टरनून तक ही है। तो कर लेते हैं पहले दोस्त का वेट, उसके बाद निकलते हैं रूम की ओर। अभी मैं निकल पड़ा हूँ कॉलेज से रूम की ओर। तो यूनिफॉर्म में बहुत तंग आते इस गर्मी में, इस गर्मी में मुझे चलना है रूम तक। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है अभी, तो पूछते हैं पहले रूम, मिलते हैं आपसे। आप व्लॉग में ज़रूर बने रहना। अगर कोई भी दोस्त नया देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक को भी ज़रूर फॉलो करना। इस टाइम बेंगलोर में हर तरफ से ग्रीनरी ग्रीनरी होना चाहिए, पर इस साल वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इन 4 साल में पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 6 मंथ हुए हैं, अभी तक बारिश नहीं हुई, पेड़ पौधे बिल्कुल खस्त हुए हैं। 4 साल में हम पहली बार ऐसा मौसम देख रहे हैं बिना बारिश के। इससे पहले बारिश टाइम पे होती है, इसलिए इस बार गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। दिन में 38 तक गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। फाइनली गाइस मैं रूम वापस पहुंच गया, गर्मी की वजह से रूम तक हालात ही ख़राब हो गई। तो अभी मैं चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे और नमाज भी पढ़नी है, तो कर लेते हैं चेंज वगैरह, मिलते हैं आपसे। तो गाइस रेस्ट वगैरह हमने किया, कॉलेज आने के बाद फिर मैं डायरेक्ट सो गया। अभी उठा, असल की नमाज पढ़ी। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर सामान लेने के लिए, हम निकल पड़े हैं सामान लेने। Several hours later. दूध वगैरह हमने लिया, अभी हम निकले हैं रूम की ओर। अभी सिर्फ 1 आवर बचा है इफ्तारी के लिए, तो यहाँ से जाके इफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं इफ्तारी के बाद आपसे। आप व्लॉग में ज़रूर बने रहना। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का पूरा सेटअप हो गया, अभी जस्ट 30 मिनट्स बचे इफ्तारी के लिए। आज हमने कुछ फ्रूट्स रखे इफ्तारी के लिए और मोहब्बती शरबत बनाया। तो कर लेते हैं इफ्तारी का वेट, मिलते हैं आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हमारा हो गया, नमाज भी हमने पढ़ी। तो अभी मैं बिल्कुल निकला हूँ अपने वर्कआउट के लिए, तो वर्कआउट भी ज़रूरी है, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना चाहिए। तो निकलते हैं पहले
अल्हम्दुलिल्लाह आज का वर्कआउट खत्म हो गया। आज बैक का वर्कआउट किया, हैवी वेट से किया, बहुत ही मजा आया। तो अभी मैं रूम आया, अभी चेंज कर लेते हैं, पहले किचन में जाते हैं। यहाँ पे एग परोटा बन रहा है, तो आटा भी रेडी हो रहा है, यहाँ से अंडा पक रहा है। वाह वाह मजा ही आ रहा है आजकल। गाइस अभी बिल्कुल एग रोल की तैयारी चल रही है, रोटी भी बन रही है, दूसरे साइड से अंडे बना रहे हैं। बिल्कुल तो बनाते हैं जल्दी जल्दी से एग रोल, फिर मिलते हैं आपसे। हमारे एग रोल रेडी हो गए, तो अभी यहाँ पे एग रोल बन रहे हैं, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग को ये पे खत्म करते हैं। आई होप अगर आपको किसी भी रीजन से मेरा व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो, फेसबुक को भी जरूर फॉलो करना। तो मिलते हैं अगले किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।